Hey guys, welcome back again on channel. दुनिया भर में न जाने कितने सारे गेम्स खेले जाते हैं। कुछ खेल शारीरिक होते हैं और कुछ खेल मानसिक होते हैं। कुछ खेल तकनीकी सहायता से खेले जाते हैं। इन्हीं खेलों में से सबसे इंटरेस्टिंग और मेंटल कॉन्शियसनेस को बढ़ाने वाला खेल है शतरंज का खेल। वैसे पर्सनली मुझे शतरंज का खेल यानी कि चेस खेलना नहीं आता है। आप लोगों में से कितने लोगों को आता है चेस खेलना, मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। वैसे चेस खेलना आए या ना आए, लेकिन एक हिंदुस्तानी के तौर पर हमें चेस के इन्वेंशन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं चेस के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टेट। भारत में शतरंज खेलने की शुरुआत 5वीं-6वीं शताब्दी के समय में मानी जाती है। जब इस खेल की शुरुआत भारत में हुई थी, तब पहला खेल था जो दिमाग के इस्तेमाल से खेला जाता था। उस वक्त के कई लोगों के अनुसार शतरंज का आविष्कार गुप्त काल के समय में हुआ था। वैसे तो महाभारत के प्रसंग में पांडव और कौरवों के पुत्रों के बीच चौसर का खेल खेला गया था, लेकिन गुप्त काल के राजाओं ने चौसर के खेल में बदलाव किया और शतरंज खेल की शुरुआत की थी। शतरंज को शतरंज नाम की बजाय चतुरंग खेल के नाम से जाना जाता था। यूरोप और रूस जैसे देशों में शतरंज का खेल 9वीं शताब्दी तक पहुंचा था। लगातार शतरंज के खेल में कई स्प्रेडिंग बढ़ती गई और आज लगभग सभी देशों में शतरंज को खेल को अपना लिया गया है। शतरंज के खेल को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाता है। जैसे जैसे इस खेल का प्रसार हुआ, वैसे वैसे ही इस खेल में कई तब्दीलियां आई, कई नियमों भी बदले गए। कुछ देशों ने तो इस खेल का नाम को ही बदलने की रुचि जाहिर करी। जैसे पुर्तगाल में इसी शतरंज के खेल को जादरेज का नाम दिया गया है, वहीं स्पेन में शतरंज को एजेडारेज कहा जाता है। शतरंज के खेल में काले और सफेद बॉक्स से मिलाकर एक बोर्ड बना होता है, जिसमें कुल 64 बॉक्स होते हैं, जिसमें 32 बॉक्स सफेद रंग के और 32 बॉक्स काले रंग के होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शतरंज के खेल में दो खिलाड़ी खेल सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास राजा, वजीर, दो हाथी, दो घोड़े, दो ऊंट और 8 सैनिक भी होते हैं। शतरंज के खेल के नियमों के अनुसार सफेद बॉक्स वाला खिलाड़ी सबसे पहले खेल की शुरुआत करता है। ये चीज आपको पता थी कि नहीं, मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। जैसे कि आप सभी को पता है कि दुनिया के हर खेल में एक टाइम की लिमिट होती है, लेकिन इस खेल में कोई समय की सीमा नहीं होती है। इंडिया में इंडियन चेस फाउंडेशन द्वारा वर्तमान में शतरंज के खेल को कंट्रोल किया जाता है और इसके टूर्नामेंट वही आयोजित करते हैं जैसे कि BCCI क्रिकेट को कंट्रोल करता है। चेस फाउंडेशन की स्थापना 1951 में की गई थी। वैश्विक स्तर पर शतरंज के खेल का नियंत्रण इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इस खेल को खेलने में जो व्यक्ति मास्टर होता है उसको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया जाता है। अभी ना मैं आपको वर्ल्ड फेमस कुछ शतरंज के खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ जिन्होंने विश्व स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन किया हुआ है। जो पहला नाम मैं लेने जा रहा हूँ वो नाम शायद आपने सुना होगा, जबकि आपका कोई भी चेस से लेना देना नहीं है दूर दूर तक। पहला नाम है विश्वनाथ आनंद, दूसरा नाम है देवेंदु बरुआ, तीसरा नाम है बी रवि कुमार, चौथा नाम है आरती रामस्वामी, पांचवा नाम है पी हरि कृष्णा और छठा नाम है मैनुअल एरोन, सातवा नाम है कोनेरू हम्पी। चेस के फैक्ट्स जानने से पहले ना आप एक काम करो, आप है ना इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो ताकि होम स्टेट के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट ना आपको मिल जाए, जिससे कि आपकी नॉलेज में हर हफ्ते कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती रहे। चेस का पहला फैक्ट ये है कि कहा जाता है कि रावण ने सबसे पहले इस खेल को अपनी पत्नी मंदोदरी के मनोरंजन के लिए बनवाया था। वैसे इस बात में कितना सत्य है अगर ये जानना है ना आपको, तो आपको रामायण जरूर पढ़नी चाहिए। चेस का दूसरा फैक्ट ये है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अंग्रेजी भाषा में छपी दूसरी जो किताब थी ना वो चेस के बारे में थी। चेस का तीसरा फैक्ट ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1939 से 1945 के दौरान शतरंज के खिलाड़ियों ने कोड ब्रेकिंग की भूमिका निभाई थी। मतलब आपको पता होगा कि अगर जर्मन किसी को कोई सीक्रेट मैसेज भेज रहे हैं तो उसको डिकोड करने के लिए चेस प्लेयर का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनका दिमाग काफ़ी शार्प होता है। चेस का चौथा फैक्ट, साल 1951 में एलन ट्यूरिंग ने पहला ऐसा कंप्यूटर बनाया था जिसमें चेस खेली जा सके। चेस का पांचवा और आखिरी फैक्ट ये है कि दुनिया में आप किसी से भी पूछ लो कि चेस के बारे में, जब भी आप उसे पूछोगे ना, तो उनके दिमाग में काले और सफेद रंग वाला चेस बोर्ड का डिजाइन आएगा। तो आपको पता है इस काले और सफेद रंग का डिजाइन कब बना था? पहला लाइट और डार्क कलर वाला चेस बोर्ड का डिजाइन
1090 में यूरोप में बनाया गया था। दोस्तों बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको जरूर कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिले। मिलता हूँ मैं अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ये पुराने वीडियो देखिए और आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।